They're not deaf and mute. They are super powerful. आज हम आए हैं इकोस कैफे एंड बार. इकोस कैफे एंड बार इज वेरी फेमस फॉर इट्स डिलीशियस फूड. बट मेन बात यह है कि यहाँ का स्टाफ आर डेफ एंड म्यूट, स्टिल दे आर वेरी गुड इन सर्विसेज. आओ लेट्स गो इन. इकोस कैफे बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ पर, बहुत अच्छी फीलिंग है यहाँ पर. काफ़ी ज़्यादा कोटेशंस भी लगे हैं और काफ़ी पॉजिटिव है. एकदम अलग तरीका है ये हमारे अमेजिंग पावरफुल स्टाफ मेंबर को बुलाने का तरीका. ओह मेन्यू आ गया हमारा. डिश कोड ओके ओके. तो यहाँ पर डिश कोड डालेंगे और क्वांटिटी कितने. ओके बहुत ही यूनिक तरीका है डिश ऑर्डर करने का. तो अभी हम ऑर्डर करने वाले हैं अपने ऑल फेवरेट, ये मेरी नज़र पड़ी मोमोज पर. इसका कोड है M2 फॉर तंदूरी मोमोज, M2 क्वांटिटी 1. और सेकंड ऑर्डर हमारा होने वाला है हनी ग्लेज्ड चिली पोटैटो H3 क्वांटिटी 1. बहुत मज़ा आने वाला खाने में. अच्छे से ये लोग हमको ट्रीट कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है. एक वाइब भी इतनी अच्छी यार, मतलब दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर स्माइलिंग. अपनी जॉब को लेके कितना खुश है, मज़ा आ गया यार सच में. अभी यहाँ पर खाना खाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि खाने में डबल मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये खाना क्या बात है यार, बहुत अच्छा साइज़ है इसका. साइज़ तो ऐसे छोटे से बर्गर्स होते हैं ना. यहाँ की हमारी तंदूरी चटनी और सबकी ऑल फेवरेट मायोनीज. बहुत टेस्टी यार, बहुत सॉफ्ट है, थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर आ रहा है, बट इट इज अमेजिंग यार. यूजुअली मैं तंदूरी मोमोज खाता हूँ ना, इतने सॉफ्ट नहीं मिलते हैं. दिस इज रियली गुड, फुली स्टफ्ड एंड फुली लोडेड यार. कैप्सिकम है, कैरेट है, पनीर है और ऊपर से मोमोज. अभी हम टेस्ट करेंगे हनी चिली पोटैटो. क्रिस्पी है, प्रॉपर हनी का फ्लेवर आ रहा है. नॉर्मली काफ़ी रेस्टोरेंट्स में देखते हैं कि चीनी मिला दी जाती है जिससे मीठापन ज़्यादा हो जाता है. प्रॉपर मीठा है हनी वाला. और फूड चाहे मोमोज हो चाहे हनी चिली पोटैटो, दोनों हाई क्वालिटी फूड है. 599 ओनली. अभी तो मैंने बहुत ही ज़्यादा ठूस लिया यहाँ पर नॉर्मली 600 रुपये में दो लोग अच्छे से खा सकते हैं यहाँ. कैसे इन लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपको मुश्किल तो होता होगा वैसे? हाँ थोड़ा मुश्किल है, मेरे लिए भी न्यू ही है, लर्निंग है. फिर भी तो थोड़ा सा बात करके दिखाएंगे. कुछ अल्फाबेट्स मैंने इन्हों से सीखे हैं, जैसे ऐसे ए. ओके ये साइन है ए के लिए. ओके ओके ओके. एंड दिस वन इज बी, देन दिस इज सी. ओके देन दिस इज डी, देन ई. ऑलराइट एफ, देन जी. क्या बात है, क्या बात है. देन एच, देन आई, then J, then K, L, M, M, N, ये तो A to Z पूरा ही आपको आता है. P, Q. ऑर्डर अगर आता तो आप इनको कैसे समझाते हो, मतलब थोड़ा सा करके दिखाएंगे? लाइक जैसे क्वार्टर प्लेट्स वगैरह सर्व करना होता है तो ऐसे करके एक इनका सिग्नल है तो उसे समझ जाते हैं प्लेट्स. ओके इनका एक बहुत ही प्यारा सा तरीका आपस में बात करने का. सुपर पावरफुल लोग, सुपर अमेजिंग, क्या बात है यार. वी कैन सी हाउ हैप्पी दे आर यार. इट्स अ ब्लेस्ड डे, एक्चुअली इट इज अ ब्लेस्ड डे.
enjoy little things. This is what we can learn from this amazing staff. Three cheers to you, four cheers to their amazing staff members. Yes, self love. अपने से प्यार करो, खुद से प्यार करो, दुनिया आपसे प्यार करेगी. सो इकोस कैफे में खाने का बहुत मज़ा आया. खाने के साथ साथ मेन बात ये थी, जो यहाँ पर प्यार और इमोशंस फील करने को मिले वो एकदम अल्टीमेट थे, एकदम डिफरेंट थे. तो इस जगह का मैं एड्रेस बता देता हूँ. ये एड्रेस है राजौरी मेन मार्केट में, इकोस कैफे एंड बार नाम से. और मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, वीकेंड में भी, वीकडेज में भी, खाने को भी इंजॉय करें और ये फीलिंग्स जो हमें आज फील हुई वो आप भी एंजॉय करें. दिस इज़ पर्सनली रिकमेंडेड. आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इनको ज़्यादा से ज़्यादा हौसला दें.